डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक में आदित्य चोपड़ा पहली बार बॉलीवुड में भाई भतीजा वाज पर बात करते हुए नजर आएंगे और वो अपने भाई उदय चोपड़ा के बारे में बात करेंगे। तो हेलो नमस्कार, मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूँ सभी का फिल्मी बाबा पर फिर से एक बार। कंगना रनौत ने जब से करण जौहर के शो कॉपी विद करण में ये मुद्दा भाई भतीजा का वाद का मुद्दा जो उठाया है, उसके बाद बॉलीवुड में भाई भतीजा वाद का मुद्दा कांटेदार रहा है पिछले 5 सालों। पहली बार फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा ने अपनी डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक में इस मुद्दे को उठाया है। आदित्य चोपड़ा ने अपने भाई उदय चोपड़ा को सामने लाते हुए ये बात कही है। एक ऐसा अभिनेता जो एक शानदार फिल्म निर्माता का बेटा है, बावजूद उसके फिल्म इंडस्ट्री में जगह नहीं मिल पाई, पहचान नहीं बन पाई। उदय चोपड़ा ने बॉलीवुड में 2 मेरी यार की शादी है और मोहब्बतें जैसी धमाकेदार फिल्में दी हैं। भाई भतीजावाद के इस मुद्दे पर बात करते हुए आदित्य चोपड़ा ने कहा है, लोग जिन चीजों को नजरअंदाज करते हैं उनमें कुछ खास बात होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी सितारे होते हैं जो चमक नहीं पाते हैं और हर कोई सफल नहीं होता। वे कहते हैं कि मैं अपने परिवार का उल्लेख करते हुए इसे बता सकता, मेरा भाई एक एक्टर है और वो बहुत सफल अभिनेता नहीं है। उदय यहाँ सबसे बड़े फिल्म निर्माताओं का एक बेटा है और साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े फिल्म निर्माता का एक भाई भी है। सोचिए YRF यानी यशराज फिल्म जैसी बड़ी कंपनी जिसने बहुत सारे न्यू कमर्स को मौका दिया है, वो खुद के बेटे को चमका नहीं पाए। बात यह है कि एक दर्शक ही तय करेगा कि यह मुझे पसंद है और मैं इसे देखना चाहता हूँ और किसी को नहीं। इसके बाद कैमरा मुड़ता है उदय चोपड़ा की तरफ, जो ये बताते हैं कि मैंने मोहब्बत उनकी जो पहली फिल्म थी उसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। इसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे धुआंधार अभिनेता थे। उदय चोपड़ा ने कहा कि आदित्य चोपड़ा ने उन्हें एक बार राय दी थी कि अगर उन्हें एक बेहतरीन एक्टर बनना है तो उन्हें अपने डांस पर ध्यान देना हो। और उदय ने कहा कि ये तो मेरे लिए इतना आसान है। उदय जिन्होंने धूम में एक्टिंग की थी, इनके साथ अभिषेक बच्चन और ऋतिक रोशन भी थे, लेकिन ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन से ज्यादा इनको प्रशंसा मिली थी। डॉक्यूमेंट्री के अंत में आदित्य ने कहा, हाँ यदि आप एक फिल्मी परिवार में पैदा हुए हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऑडिशन या ब्रेक लेना आपके लिए आसान हो जाता है, लेकिन ये यहीं पर रुक जाता है। उदय ने कहा, जब धूम आई थी तब भी मैंने जो मेन स्ट्रीम का एक्टर बनने की काफी कोशिश की, मुझे अभी को एक एग्जांपल के तौर पे लेना चाहिए था और उसी तरह के रोल मुझे करने चाहिए। इसके बाद उदय के पास काफी सारे रोल्स ऑफर आए, लेकिन उदय ने सभी को मना कर दिया क्योंकि उन्हें चाहिए था कुछ अलग, कुछ धमाकेदार। जब उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की तो उन्हें लगता था कि उन्हें सब पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ये बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि उन्हें लोग पसंद नहीं करें। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की बातें बताई और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो एक अनसक्सेसफुल एक्टर थे और उन्हें भाई भतीजावाद का बच्चा कहा जाता। उदय ने खुद स्वीकार किया और माना कि ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा इफेक्ट की। आदित्य चोपड़ा ने उदय चोपड़ा की इस प्रतिभा को, एक्टिंग की प्रतिभा को स्वीकार किया, लेकिन यह भी बताया कि दर्शकों ने उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं की। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि दर्शकों ने उन्हें उस तरह का प्यार नहीं दिया जिस तरह से वो खुद से उम्मीद कर रहे थे। लोग उन्हें कॉमेडी में प्यार करते थे, लेकिन वो खुद से कॉमेडी नहीं करना चाहते थे, वो एक शानदार एक्टर बनना चाहते। उन्हें शायद ये सब पहले से एहसास हो गया था कि ये मेरे लिए बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि उन्हें उस तरह की सफलता नहीं मिली जिस तरह से वो सफलता चाहते थे। फिर उदय से पूछा गया कि क्या आप वापस एक्टिंग में आना चाहते हैं, तो उदय ने कहा कि यह एक मात्र शौक के तौर पे मैं देख सकता हूँ, लेकिन इसे कैरियर नहीं बना सकता। तो ये बात थी उदय चोपड़ा की, जो एक असफल एक्टर के रूप में नजर आए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या चीजें कोशिशें की, लेकिन हर बार उन्हें विफलता मिली है। फिल्म निर्माता का बेटा होने के बावजूद उन्हें उस कैरियर के मुकाम पर पहुंच नहीं पाए जिसकी वो चाहते थे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए तबाही मचाते रहो।